नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आज एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे बलेरो नियो के टॉप मॉडल के बारे में। पहले हम आपके लिए लेके आए थे बलेरो नियो का बेस मॉडल, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका N10 ऑप्शनल। N10 ऑप्शनल जो है वो इसका टॉप मॉडल है। 11,78,000 रुपये भाई इसका आता है एक शोरूम प्राइस। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 13.5 लाख रुपये में जो है आपको ये गाड़ी मिल जाएगी रेवाड़ी में। अगर आप रेवाड़ी में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप दीवान फोर व्हील्स रेवाड़ी में यहाँ पे आके आप जो है महिंद्रा की कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं या इनसे आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। दिलीप भाई का नंबर हम जो है स्क्रीन पे भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको उनका नंबर मिल जाए। अब देखिए, ये जो बलेरो नियो है ये एक सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी है, बट इसके साइड में अगर आप कोई भी सब 4 मीटर गाड़ी खड़ी करोगे ना, ब्रेजा हो गई आपकी, नेक्सोन हो गई, XUV300 हो गई, इसके सामने छोटी जो है वो लगती है। इसके साइड में XUV700 खड़ी है और वो भी इससे छोटी जो है वो लग रही है हाइट में, और है भी, अगर आप इसके नंबर्स में देखेंगे ना तब भी जो है वो इससे छोटी है कुछ MM। अब ये गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव आती है और कोई भी जो है सब कॉम्पैक्ट SUV रियर व्हील ड्राइव के साथ नहीं आती, तो ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो इसका फ़ायदा है। दूसरा, ये इसका टॉप मॉडल है तो इसमें MLD आता है, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, वो एक काफ़ी जो है काम की चीज़ आती है, बट वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही देखने के लिए मिलेगी। और प्राइस जो है ना उसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपको मिलेगा। एक ये गाड़ी जो है वो 7 सीटर है, इसमें पीछे जंप सीट्स जो है वो आपको मिल जाएगी, एक ये बड़ा रीज़न जो है यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो इंजन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बलेरो नियो में आपको सिर्फ डीजल ऑप्शन जो है वो मिलता है, पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और 1500 cc का जो है वो आपको गाड़ी में इंजन देखने के लिए मिलेगा। अब हुड जो मैं खोल रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी जो है वो ये हुड लग रहा है। इंसुलेशन मटेरियल का जो है वो यूज़ किया गया है महिंद्रा के द्वारा। एक बार मैं इसको अब ये एक चीज़ जो है वो कमी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी जब इसकी बेस मॉडल की बनाई थी, ये जो है इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाना चाहिए था, मतलब थोड़ा टाइट होना चाहिए था, लूज सा है। 1500 cc का डीजल इंजन ये है और 100 BHP जो है वो जनरेट करता है। जब आप गाड़ी के साइड में देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो 100 लिखा गया है। अब बलेरो के ऊपर इसको लेने का क्या फ़ायदा है कि बलेरो जो है वो 75 BHP जनरेट करती है, जबकि ये जो है वो 100 BHP जनरेट करती है। 260 Nm का टॉर्क जो है वो आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। और इस इंजन के साथ फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 17.28 के आसपास की जो है वो आपको माइलेज मिलेगी। रियर व्हील ड्राइव होने के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी लगती है। मोस्टली जो है इस गाड़ी को ख़रीदने वाले बंदे जो है गांव-गांव में इसको ज़्यादा चलाते हैं, मतलब जहाँ पे रास्ते वगैरह जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद जो है ये डीजल इंजन आपका रहेगा। फीचर्स की अगर हम बात कर ले तो सामने आपको हैलोजनी लाइट्स मिलती है, हैलोजनी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो DRL मिल जाएंगे। एक बार चाबी भी मैं आपको गाड़ी के दिखाना चाहूँगा। कुछ ऐसी की आपको गाड़ी में मिलती है, फ्लिप की है, लॉक अनलॉक, और आपका जो है गाड़ी को लोकेट करने के लिए एक बटन जो है वो आपको मिल जाता है। अब लॉक बटन को एक बार और प्रेस करके जो है वो आप फॉलो मी हेडलैम्प्स को भी ऑन कर सकते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, ये भी आपके जो है वो हेलोजन होने वाले हैं। बलेरो की सिग्नेचर ग्रिल जो है वो नियो के साथ आती है, जैसे आप बलेरो वगैरह में देखते हैं वैसी ग्रिल जो है वो है। टॉप मॉडल है इसलिए जो है क्रोम का यूज़ किया गया है, बाकी बेस मॉडल्स में जो है वो क्रोम का यूज़ आपको नहीं दिखेगा। नीचे एरेंटिक के लिए स्पेस है और काफ़ी ऊंची गाड़ी जो है वो आपको मिलती है 185 mm का। हालांकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कंपनी क्लेम करती है, बट वो इस वजह से है क्योंकि गाड़ी का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उससे ही ग्राउंड क्लियरेंस मेजर किया जाता है, और वहाँ पे जो रियर व्हील ड्राइव में जो आपकी टंकी सी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा नीचे रहती है, तो उसी से मेजर किया जाता है। बाकी अगर आप वैसे देखेंगे तो काफ़ी ऊंची गाड़ी जो है वो ये लगती है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो बलेरो नियो के आपको टॉप मॉडल में अलॉयज जो है वो मिल जाएंगे। N10 में भी आपको मिलते हैं, N10 ऑप्शनल में भी जो है वो आपको मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखने वाले अलॉय है। 215/75 R15 का जो है वो आपको टायर का साइज मिलेगा। सामने आपको डिस्क मिलेंगे, पीछे आपको जो है वो ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे गाड़ी में। ORVMs जो है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे आपको फोल्ड करने पड़ेंगे। और गाड़ी में फ्रंट टू बैक आप ये देखिए, एक ब्लैक कलर की पट्टी जो है वो जाती है। डोर हैंडल्स टॉप मॉडल होने के बावजूद भी बॉडी कलर्ड नहीं है, बट इस जो ब्लैक वाली पट्टी के साथ ही ये जो मैच किए गए हैं ना
तो ओड जो है वो नहीं लगते, बाकी बॉडी कलर होते तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लगता। कोई भी आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते और गाड़ी की हाइट आप देखिए, किसी भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो है हाइट इतनी नहीं है, नीची नीची जो है वो लगती है इसके सामने। फुट स्टेप्स जो है वो आपको गाड़ी में चढ़ने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि हाइट ऊँची है अंदर की। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप देखिए गाड़ी जो है वो काफ़ी ऊँची है, तो इस वजह से फुट स्टेप दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। अंदर चलेंगे तो इन चीज़ों के बारे में भी जो है वो बात एक बार कर लेंगे। पीछे के प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, प्रॉपर एसयूवी वाली फील जो है वो गाड़ी आपको देगी। किसी भी साइड से आप देख लीजिए, अंदर बैठ के चलाने में भी जो है एक प्रॉपर एसयूवी की फील देती है। टॉप मॉडल है इसलिए आपको डिफोगर, वाइपर दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। जो स्टेपनी व्हील है वो यहाँ पे लगाया गया है, रिम है, बाकी टायर का जो साइज़ है वो एग्जैक्ट सेम है, जो गाड़ी के टायर का साइज़ जो है उससे मैच करता है। बलैरो का आपको एक यहाँ पे गार्ड मिल जाएगा, बलैरो नियो यहाँ पे लिखा गया है। नीचे जो है वो आपको चार पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ब्लैक कलर के जो है वो सेंसर्स दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए हैं। दो आपको रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। बूट एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको मिलती है दो जंप सीट, शायद 583 लीटर के आसपास जो है वो गाड़ी का आपको बूट देखने के लिए मिलेगा। सीट को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे आप जो है इनको फोल्ड कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे जो है वो टांग सकते हैं, तो बूट में आप आराम से अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर भी जो है वो फुटरेस्ट दिया गया है। बेस मॉडल में भी जो है ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। फैब्रिक सीट्स कवर जो है वो आपको सिर्फ मिलते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट जो है वो दी गई है। तो चलिए एक बार जो है इसमें बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे बेस मॉडल में जो है हमने ये दिखा दिया था, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल को आप ग्रैब करके चढ़ सकते हैं और ये आप देखिए कुछ ऐसे जो है मैं बैठ सकता हूँ। थोड़ा सामने की तरफ ही जो है वो झुका हुआ हूँ, सीट कम्फर्टेबल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे बच्चे जो है वो बैठ सकते हैं, वो भी छोटी दूरी के लिए ही जो है वो ठीक रहेगा, कभी इमरजेंसी में यूज़ आप जो है कर सकते हैं। सामने अगर मेरे जितना बंदा बैठ गया तो जो है घुटने टच हो जाएंगे आपस में हमारे, थोड़ा सा भी अगर गाड़ी उछली तो सर जो है वो टकरा जाएगा, बिल्कुल भी हेडरूम नहीं। उस हिसाब से भी जो है मेरा सर इसमें टच हो ही रहा है, तो 6 फीट का बंदा जो है वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। इन सीटों को आप जो है बच्चों बच्चों के लिए रखें, बाकी अडल्ट वगैरह के लिए जो है वो ठीक नहीं है ये। 50 लीटर का जो है वो आपको डीजल टैंक गाड़ी में मिलता है और 865 के आसपास की जो है वो ड्राइव रेंज ये आपको देगा अगर आप ARI माइलेज जो है वो निकालते हैं तो। अब यहाँ पे आप देखिए हर जगह फुटरेस्ट जो है वो काम आते हैं, अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी आप जो है ये इंस्टॉल करवा सकते हैं। डोर में आपको दिखाऊं तो डोर जो है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपकी पावर विंडोज़ के जो है कंट्रोल मिल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगा, ग्रेज ग्रेज सा कलर जो है वो यूज़ किया गया है। इन पर जो है वो मैट ब्लैक है, जैसे स्ट्रोक आता है ना वो वाला कलर जो है वो दिखेगा। नीचे अगर आपको दिखाऊं तो नीचे बोतल होल्डर है और थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको नीचे दिख जाएगा। सेकंड रो के कंफर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सामने वाली सीट जो है वो 5 फीट 8 इंच के बंदे के हिसाब से एडजस्ट की गई है। उसके बाद देखिए आप मेरे पास कितना यहाँ पे स्पेस बच रहा है, तो देखिए काफ़ी सारा स्पेस जो है वो नी रूम में है। लेग रूम जो है वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है। इवन थाई सपोर्ट जो है मेरी हाइट के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल यहाँ तक जो है वो टच हो रही है सीट। सीट की जो यहाँ पे ये वाली विड्थ है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिलेगी। अब तीन बंदे बिठाने की बात करूँ तो तीन बंदे जो है वो बैठ सकते हैं, अगर मेरे जितने साइज़ के होंगे तो प्रॉपरली जो है वो बैठ पाएंगे। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, हालांकि कप होल्डर जो है वो इनमें नहीं है। दो आपको 3 पॉइंटर और एक जो है वो आपको लेफ्ट सीट बेल्ट गाड़ी में मिल जाएगी। एमिनिटीज़ की बात करें तो पीछे आपको जो है एक कैबिन लैंप यहाँ पे मिल जाएगा, पीछे वाली रो के लिए भी जो है यही वाला काम करेगा। ये हैलोजन ही जो है वो आपका होने वाला है, अभी जल नहीं रहा है, बाकी इसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए थी। इधर अगर आपको दिखाऊं सेंटर में तो आपको कोई भी वेंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते, सामने वाले वेंट्स से ही जो है पूरी गाड़ी में एयर फ्लो होगा। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स जो है वो मिल जाते हैं, दो और एक ये भी है, तीन कप होल्डर्स जो है वो आप इनको कह सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे जो है फीचर्स की बात करेंगे। बाकी सीटिंग कंफर्ट जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है बलैरो नियो का, बलैरो के मुकाबले जो है काफ़ी बढ़िया है। सीट की क्वालिटी, फैब्रिक जो है वो ठीक है, कुशनिंग क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी जो है ठीक है। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह जो है वो मिल जाती है, मैगजीन वगैरह आप
रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे के फीचर्स की बात कर लेते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको बलेरो नियो में नहीं मिलता, ना ही कोई पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो गाड़ी में आपको मिलते हैं। ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको वही सेम कलर मिल जाता है जो पीछे वाले डोर्स पे यूज़ किया गया है। कोई भी सॉफ्ट टच जो है वो आपको नहीं मिलता, ना ही कोई पावर विंडोज़ और ORVM को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं। ORVM के कंट्रोल तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवलर है, इको का बटन है, यहाँ पे डिफोगर का जो है पीछे वाले का उनका बटन है, ESS का बटन जो है वो आपको मिल जाएगा। ड्राइवर सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा मैन्युअली। और सीट को एक बार पीछे हम कर लेते हैं। पीछे करने के लिए देखिए थोड़ा सा गलत यहाँ पर दिया गया है, वो जो पूरी एक रोड से होती है वही ज़्यादा जो है वो सही लगती है मुझे। तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक में आपको नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगी। तो ये तीन पेडल जो है वो आपको इसके हर मॉडल में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, की को आप यहाँ लगा सकते हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ों के बारे में जो है वो बात करते हैं। एक बार डोर में बंद करता हूँ और आपको जो है डोर का थड सुनाता हूँ। तो थड की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड फील हो रही है। गाड़ी को एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी हो गई है, और MID वगैरह जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब ये आप स्टार्ट करता हूँ तब गियर को देखना एक बार और आवाज़ सुनना। अब महिंद्रा की बलेरो और स्कॉर्पियो की तरह जो है इसका गियर भी आपको हमेशा वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा, बाकी स्टेयरिंग वगैरह पर जो है कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। डीजल इंजन है, आवाज़ जो है वो आ रही है बट उतनी ज़्यादा नहीं आ रही आइडल में कि आपको परेशान करे। हालांकि रैव वगैरह आप करेंगे तो आवाज़ जो है वो आपको बिल्कुल दिखेगी। स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग पे जो है कोई भी लेदर का यूज़ नहीं है। यहाँ पे आपको आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे। स्टेयरिंग की एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ जो है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग आएगा। कुछ ऐसी आपको MID मिलती है, यहाँ पे RPM, इधर आपका स्पीड मीटर है, और यहाँ पे जो है पूरी ये चीज़ें दिखा रहा है डिजिटली। ये देखिए आप एवरेज स्पीड वगैरह जो है वो आपको दिखाएगा डिजिटली। कुछ सेटिंग्स है, एक बार इनको देखते हैं। तो क्लॉक वगैरह की जो है वो सेटिंग है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। अब सेंट्रल कंसोल की बात करें तो ऊपर आपको जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे जो है वो आपको 17.8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाता है। अब इसमें कमी क्या है कि ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो सपोर्ट नहीं करता, बट ये वॉइस मैसेजिंग सिस्टम और ब्लूसेंस मोबाइल ऐप के द्वारा जो है वो कनेक्ट हो सकता है। ये फीचर जो है सिर्फ ऑप्शनल वेरियंट में आते हैं। N10 में जो है वो आपको ये दो चीज़ें मिस मिलेगी, जो ब्लूसेंस ऐप और वॉइस मैसेजिंग सिस्टम जो है ये। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे हार्ड बटन है, यहाँ पे हार्ड बटन है, और नोब्स जो है वो आपको मिल जाती है। क्वालिटी जो है वो इसकी ठीक ठाक ही लग रही है, कोई ज़्यादा बढ़िया और कोई ज़्यादा ख़राब जो है वो नहीं है। 1000 बटन की प्लेसमेंट है, नीचे मैनुअल AC जो है वो आपको मिलेगा। AC में आपको एक इको का जो है वो मोड भी मिल जाएगा, और इधर आपको जो है 5 स्पीड तक इसकी फ़ैन की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया जो है वो फ्लो आता है, अगर आप 5 पे करके चलाएंगे तो पीछे वाले पैसेंजर को जो है कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। 12 वोल्ट का सॉकेट है और USB है, ऑक्स भी जो है वो आपको गाड़ी में मिलती है। यहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ रख सकते हैं। गियर आप देखिए 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो है वो आपको मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन बलेरो नियो में नहीं आता, लेदर का यूज़ है। इधर आपकी पावर विंडो के जो है वो कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक जो है वो आप इनको यहाँ से कर सकते हैं। अब जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है वो भी ऑटो अप ऑटो डाउन कोई भी फीचर के साथ जो है वो आपको नहीं मिलेगी। 3 कप होल्डर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पे आप देखिए आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। इनको एडजस्ट वगैरह जो आप नहीं कर सकते, एक ही जो है वो हाइट पर एडजस्ट आपके हो पाएंगे। ग्लोब बॉक्स दिखाऊँ तो ग्लोब बॉक्स जो है वो ठीक ठीक साइज़ का है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो रख सकते हैं। ऊपर आपको जो है वो हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, हालांकि अभी ये जल नहीं रही है, ना आगे वाली ना पीछे वाली, कोई फ्यूज वगैरह की प्रॉब्लम मुझे लगती है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है, ORVM जो है वो डे नाइट मैनुअली एडजस्ट आप कर सकते हैं। वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, और इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। इसकी एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए 50% जो है वो ही कवर कर पाता है, बाकी 50% से धूप आपको
मिलती रहेगी। इंटीरियर के मामले में जो है वो बलेरो से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कुछ लोग जिनको बलेरो का इंटीरियर पसंद नहीं है वो भी बलेरो नियो को जो है वो चूज़ करते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, तो ये थोड़े से जो है वो प्लस पॉइंट यहाँ पे है। बाकी सेगमेंट के हिसाब से अगर देखें तो इंटीरियर उतना अच्छा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए एक्सयूवी 300 का इंटीरियर भी जो है वो इससे अच्छा लगता है। सोनेट वगैरह की तो चलो बात ही क्या करें, वो तो इंटीरियर क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो है। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। देखिए अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं या आप एक एसयूवी वाली फीलिंग जो है वो चाहते हैं तो बलेरो नियो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहते हैं तो सिर्फ एक यही गाड़ी जो है वो आपको सेगमेंट में रियर व्हील ड्राइव के साथ मिलेगी। एवरेज गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, काम काम के फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। एक प्रीमियम इंटीरियर हालांकि आपको नहीं मिलता, बट फिर भी बलेरो जो लोग कंसिडर करते हैं उसके मुकाबले जो है वो इंटीरियर आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक मिल जाएगा। एक स्टेयरिंग आप देखिए, स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा सा टाइट है। सिटी ड्राइव के हिसाब से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। गाड़ी में स्पीकर सिस्टम शायद मैं बताना भूल गया, तो 4 स्पीकर 2 ट्वीटर जो है वो आते हैं आपके टॉप मॉडल में। साउंड की क्वालिटी जो है वो सिर्फ ठीक ठीक ही है, ज़्यादा बढ़िया भी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो यही कुछ था बलेरो नियो के बारे में, फीचर्स हमने आपको सारे बताए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल इसके रिलेटेड रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जो है वो आप कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में।